हेलो दोस्तों, वेलकम टू जानता आप लोग स्वागत है चैनल में। आप लोग कैसे दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तुम बात कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के। बिजनेस मैथमेटिक्स में दोस्तों हम इक्वेशन चैप्टर्स का एक्सरसाइज इस तक ख़त्म करा दिए थे, और एक्सरसाइज F पढ़ने के लिए उनके भी कुछ इलुस्ट्रेशन आपको बचे हुए थे, वो भी सारे कंप्लीट करा दिया हूँ। अब हम आज करेंगे क्या, एक्सरसाइज F करेंगे। F के आज क्या है, क्वेश्चन सारे लगाएंगे और हो सकता है तो G भी करें, क्योंकि इसको जल्दी करना पड़ेगा। I तक है, मीन्स F G H I, अभी चार चैप्टर में एक्सरसाइज इसका बाकी है। उसके बाद हम आएंगे न्यू टॉपिक में। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पहले के लेक्चर्स जल्दी जल्दी आपको देकर ख़त्म करें, क्योंकि आपको आने वाले लेक्चर्स भी मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मीन्स ज़्यादा मार्क्स की उसमें से पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और लेकर चलना है कि हाँ, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ख़त्म करना है। तो आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे और वहाँ से आप फिर प्ले करके देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जो बीच लॉ के भी डाल रहा हूँ, वो शाम के शाम डाल रहा हूँ, वो भी आप साथ साथ देखिए। उनको भी चैप्टर 2 के साथ फर्स्ट यूनिट आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा क्या क्या है। पहले बीम मेथोडिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज ऐप करना दोस्तों, जैसे हम इलुस्ट्रेशन आपको लॉन्ग कराते थे ना, ऐसे इसमें नहीं कराना। पूर द वैल्यू कैंडल सब, हाँ कुछ होगा सिखाने वाले को, जरूर सिखाएंगे, लेकिन जो ऐसे करने वाला ना उसको सीधा हम करा देंगे, आप उसमें चिंता करने के बाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर्स जरूर देखना है, क्योंकि जब पिछले से आप देख लोगे ना, तो फिर ये समझना काफ़ी आसान होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। और वीडियो लास्ट तक आपको देखना है, कोई भी वीडियो मेरा देख रहा है तो आप लास्ट तक देख गया पूरा, क्योंकि इस क्वेश्चंस करा दो मैं बुक के, तो आप मतलब लास्ट तक जरूर देखना, कि ताकि आपको एक बार में ये कंप्लीट हो जाए, फिर दोबारा आपको लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मतलब मैं पढ़ाता हूँ आपको, अगर कि नहीं तो लास्ट तक जरूर भी देगा, फिर आपको रियलाइज़ किया जाए कि हाँ कैसा ट्रिकली स्मार्ट ट्रिक पढ़ाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो हम निकालते हैं बुक, क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाता है इंट्रोडक्शन देते हुए, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन मैं याद दिला देता हूँ। चलिए हम आते हैं, बुक निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं, आप भी साथ में निकालिए, और क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं वो जो स्मार्ट ट्रिक कैलकुलेटर बेस जो भी बेस हो है वो हम करेंगे, लेकिन शॉर्ट में करने के पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आइए दोस्तों करते हैं और साथ में करते हैं, फिर आप ये नहीं आएगा तो कमेंट आप करके बता सकते हैं, मैं समझा दूंगा उसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। या मेरे फेसबुक के ऊपर फाइल आप और इंस्टाग्राम पर सब लिंक डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से आप जाकर मुझे फेसबुक क्या करते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, प्राइवेट मैसेज आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं दे रखा हूँ फेसबुक के नीचे बायो में। आइए दोस्तों मैं कराता हूँ क्वेश्चन सब। ओके निकालिए फिर। तो दोस्तों एक्सरसाइज में आ चुके हैं, यहाँ तक हम कर चुके। इलस्ट्रेशन ये लास्ट था, 8 नंबर ऊपर दिख रहा होगा आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 8 दोस्तों। ये भी क्या हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो गया था। अब हम शुरू करते एक्सरसाइज दोस्तों। एक्सरसाइज ऐप के क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, पहले तो लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन A B C और D, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। बिल्कुल, फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + 8x - m³ = 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ m इज कितना होगा। क्या पूछा दोस्तों, पता है आपको कि एक रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखा है आर इक्वल दू क्या बोला है, ये दे रखा है आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ m इज, आपको पता है दोस्तों B² - 4ac = 0, नेचर ऑफ द रूट में वो पढ़ाए थे, B² - 4ac क्या होता है 0। वहाँ से हम क्या करेंगे, m फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल, आइए आपको मैं करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज F, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन क्या था कि आपका एक रूट ऑफ इक्वेशन कितना दे रखा है दोस्तों, 2x² + 8x 2x² + 8x क्या दे रखा है, और -mq = 0 एक उत्तर लगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन भी लिख लेते, क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन -3, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन क्या है 1, और लास्ट ऑप्शन है -2। अब कौन सा हमारा ऑप्शन होगा देख रहे हैं। ठीक है, हमें तो क्वेश्चन आपको इधर रखा है बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे करे करे कैसे। तो आपको अभी बताए थे, क्या बताए थे, रूट का नेचर रूट के मैं आपको बताया था ना, ये फॉर्मूला था b² - 4ac = 0, याद है दोस्तों। बिल्कुल याद होगा, b² - 4ac = 0, मतलब अगर हमें रूट ऑफ इक्वेशन अगर कौन सा बैंक के वैल्यू जो हमारा क्या होगा टोटल इक्वेशन वाला क्या होगा 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकाल लेंगे, और बी के मतलब कितना हुआ 8 हो गया, ये ए है = 2 और b = c = -mq। ठीक है, बी का मतलब 8² समझ आ रहा दोस्तों। बिल्कुल 8² हो गया, -4 * a का मतलब 2, c का मतलब -mq = 0। बिल्कुल समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, बिल्कुल समझ आ रहे दोस्तों। 8 के स्क्वायर कितना 64 हो गया, -4 * 8, और ये माइनस दे प्लस पहले कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये माइनस पहले से ही, और मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, 4 * 8 mq = 0। समझ आ रहे दोस्तों, बिल्कुल समझ आ रहे। और अब इसको उधर ले जाइए, 8mq = 64 माइनस हो जाएगा दोस्तों, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो mq = -64/8, 8 * 64 मीन्स mq = क्या हो रहा है -8। कहने का मतलब क्या हो गया, m³² - 2k³, तभी तुम्हारा क्या होगा -8 आएगा, तुम्हारा क्या होगा m = -2। क्या हमारा ऑप्शन -2 दे रखा है दोस्तों, क्या हमारा m = -2 दे रखा है, दे रखा है दोस्तों, देखिए तो बिल्कुल दे रखा है। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों करेक्ट है। समझ आ रहे कि नहीं यार बताइए दोस्तों, समझ आ रहे कि नहीं यार बताइए दोस्तों, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, आइए फिर पहले वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। आइए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, if 2k/2x + 3a -3k/2 मतलब डॉट मल्टीप्लाई 2k/x + 1 देन वैल्यू ऑफ एक्स आर, देन वैल्यू ऑफ एक्स आर कितने हुआ, क्या ये आप डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू, या लॉन्ग कर दें, आप कैसे करना चाह रहे हैं, लॉन्ग कर दें कि शॉर्ट। सर तो आप तो बता रहे थे कि तो शॉर्ट कराएंगे, आइए पुट द ऑप्शन करेंगे तो हमारा आर एक ना ये चेक करने वाले हूँ। तो आइए दोस्तों एक बार ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें जितना आसान होगा क्वेश्चन उतना आसान करने वाले। ठीक है दोस्तों, आपको लॉन्ग तरीके से ऐसे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, शॉर्ट तरीके से भी नहीं करा, ये चलते शॉर्ट तरीके से कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन और ऑप्शन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या देगा, if 2k/2x + 3, if 2k/2x + 3 यही है ना, बिल्कुल यही है दोस्तों, -3k²
इज टू मल्टीप्लाई टू की पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर बोला है कि देन वैल्यू ऑफ एक्स आर क्या पूछ रहा है, देन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों, एक्स के वैल्यू पूछा। ऑप्शन हमारा क्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन में तो लिखना है, ऑप्शन हमारे दोस्तों जीरो वन, जीरो वन, उसके बाद में वन टू, बी ऑप्शन क्या है हमारा वन टू, दो दो मतलब वैल्यू दे रखा है ना, बिल्कुल इक्वेशन है तो दो वैल्यू आई गई, सी के बदले जीरो थ्री, और डी ऑप्शन क्या हमारा है जीरो माइनस थ्री, माइनस थ्री। दोस्तों हमें ऐसा वाला क्वेश्चन साफ कैसे किए थे, यहाँ पर क्या है कि ये दोनों मैच नहीं खा रहे दोस्तों, और हमारा वैल्यू भी क्या है दो दे रखा है, तो थोड़ा ये आपको स्मार्टली मैच खाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पहले इसको हल्का सोल्व कर देंगे ना, फिर हमारा वैल्यू सीधे पुट कर लेंगे तो आ जाएगा। आइए मैं पहले हल्का इसको कोशिश करता हूँ दो लाइन लिखने का, फिर आपको मैं शॉर्ट मतलब उसको इतना शॉर्ट होगा कि पहले से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस की जाएगा तो ये आधी भी हो जाएगा। आइए इसको मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों, सॉल्यूशन ठीक है, क्या लिखा है कि टू के पावर टू एक्स अलग अलग दोस्तों कर देंगे, टू के पावर थ्री ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल, थ्री के पावर स्क्वायर है जो नाइन हो जाएगा, टू के पावर एक्स इंटू टू के पावर वन इजल टू जीरो, समझ आ रहा दोस्तों बिल्कुल, ये टू के पावर टू एक्स हो जाएगा, टू के पावर टू एट हो जाएगा, माइनस थ्री के स्क्वायर नाइन हो जाएगा, इंटू टू के पावर एक्स टू के पावर वन मतलब टू इजल टू जीरो, इतना समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, और ए टू के पावर दोस्तों एक्स नहीं दोस्तों टू एक्स है, सॉरी टू एक्स है, अब क्या करेंगे, ये टू एक्स है, ये टू टू एक्स है, अब हम करेंगे क्या, तो करेंगे अब हम करेंगे क्या, टू के पावर जो दे रखा है ना, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लेट कर देंगे दोस्तों, वाई करते हैं तो वाई करते हैं, टू के पावर एक्स इजकल टू वाई, मीन्स ये y के स्क्वायर होगा दोस्तों, क्योंकि टू के पावर x है इस स्क्वायर था ना, क्योंकि पावर पावर का दोस्तों मल्टीप्लाई, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टू के पावर टू एक्स नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वही लिखा हूँ, ए इंटू एट है मीन्स एट वाई स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या हो गया y हो जाएगा, और नाइन टू जा एटीन, एटीन वाई इजकल टू जीरो, नाइन टू एटी हो जाएगा ना, ये तो टू के पावर क्या एक्स इक्वल टू वाई हो गया। अब इसमें कॉमन कितना है दोस्तों, पहले कॉमन लेते हैं, फोर कॉमन टू कॉमन लेते हैं पहले, ठीक है, टू कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, टू फोर जाए एट, फोर वाई स्क्वायर माइनस टू नाइन जाए एट, नाइन वाई इक्वल टू ए जीरो, ये जो भी आपको कॉमन ले वो तो इसके फिर इसके डिवाइड करेगा तो जीरो ही हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसमें क्या कॉमन लेते हैं दोस्तों, वाई कॉमन भी आ जाएगा ना, तो फोर वाई माइनस नाइन इजकल टू जीरो, मीन्स फोर वाई माइनस नाइन इजकल टू जीरो, वाई भी चला जाएगा बिल्कुल, अब फोर वाई इजकल टू क्या आ जाएगा नाइन, वाई इजकल टू नाइन वाई फोर, ये हुआ दोस्तों, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, देखते हैं, देखो दोस्तों क्या इसमें कुछ आपको डाउट है, वाई स्क्वायर ये हो गया एट वाई स्क्वायर हो गया, माइनस ये थ्री के स्क्वायर नाइन हो गया, और टू के ऊपर एक्स वाई वाई मान है तो नाइन टू जो एटीन वाई हो गया, एक बार टू का मान लेंगे तो टू फोर जो टू नाइन जो एटी, फिर वाई का तो ये भी चला जाएगा, वाई स्क्वायर टू नाइन बाई फोर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा दोस्तों नाइन बाई फोर आएगा। अब हम ई एक्स को वैल्यू कहाँ पुट करेंगे दोस्तों, इसके वैल्यू हम पुट करेंगे जो भी लेट किए टू के ऊपर एक्स स्क्वायर टू वाई, वहाँ पर हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक गलती हम शुरू में कर ली दोस्तों, क्या ये टू के पावर एक्स है ना, ये प्लस नीचे में वन, इसके साथ में वन नहीं है,
इसलिए दिक्कत हो रहा था कि क्या है क्या नहीं है। प्लस ये दोस्तों सीधा वन हो जाएगा, ये टू के जरूरत सीधा प्लस वन होगा, नीचे प्लस है ना बिल्कुल, इसलिए इक्वेशन तो बनी रहा दोस्तों बिल्कुल। ये 9 to 18 होगा, 9 हो जाएगा, 9y हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ से आपको मैं कटअप करता हूँ, फिर नीचे आपको लिखता हूँ। ओके सॉरी इसके लिए दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर, अब ये y मान दिया ना, तो y स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 8y² माइनस 9y+1=0। ये नीचे प्लस वन था, मैंने उसको पावर में लिख दिया था, इसलिए क्वेश्चन बन में इसलिए बोला कि आपका आंसर वैल्यू सही आ ही नहीं रहा है, इसलिए डाउट हो रहा था। अब आइए दोस्तों, अब इसे 8y² जाएगा, इसको 9 करना है तो 8 से कर देंगे, 8y² - 8y - y+1=0। 8y कॉमन हो जाएगा, y-1 को लेंगे, y-1=0 मीन्स y-1=0, 8y-1=0 दो आ जाएगा बिल्कुल। y=1 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, उधर 1 चला जाएगा, तो y=1/8, ये हुआ दोस्तों बिल्कुल 1 1/8, ये आ रहा है हमारा वैल्यू आ रहा है दोस्तों। तो आइए इधर रखते हैं दोस्तों, 2 के पावर x = 1 कितना रखेंगे, 1 इस 2 के पावर x, तो किसी के पावर का जोड़ो जो 0, तो बेस हमारा 2 रखेंगे, मीन्स 1 तो वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ जा रहा है। अगला वैल्यू क्या आएगा, 2 के पावर x मीन्स 1/8y को, तो 2 के पावर x = 2 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ -3, 2 के पावर 3 तब क्यूब 8 होगा, तो मीन्स x = हमारा क्या आएगा, -3 मीन्स 0 और -6 हमारा क्या होगा आंसर, क्या ऑप्शन है डिनर हमारा क्या ऑप्शन दोस्तों। समझ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको गलत है इसलिए आंसर आने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों। और पूरा ऑप्शन भी कैसे करते हैं, आपको क्या दिया था, आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, 2 के पावर 2x + 3 - 3 के पावर² (x+1=0, आप एक बार 0 रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, इक्वेशन 1 छोड़ते ऐसे लिखे, 2 के पावर 2 × 0 + 3 हो जाता है, 3 के पावर² (2 के पावर 0+1) हो जाते हैं, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है ना दोस्तों, 2 के पावर 3 हो जाएगा, -3 के पावर² मतलब 9 हो जाएगा, 2 के पावर 0 मतलब 1, ये +1 मीन्स 8 - 9 + 1 मीन्स 8 - 8 = 0 हो जा रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन मैच खा रहा है, एक बार करेंगे 3 डायल करेंगे, 2 के पावर 2 × 3 + 3 -3 के पावर² (2 के पावर x) मतलब 3 + 1 = 0, क्या -3 था दोस्तों बिल्कुल, ये -3 है, -3, 2 × 3 = 6, -6 + 3 2 के पावर -3 -3² (9 × 2 के पावर -3+1=0 बिल्कुल, 2 के पावर -3 में चलो 1/8, ठीक है दोस्तों, -9 × 1/8 +1=0, समझ रहे दोस्तों बिल्कुल। एक बार मैं लॉन्ग कर दे दोस्तों, अब नहीं कराने वाला हूँ, 1/8 हो गया, ठीक है दोस्तों। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 8 हो जाएगा, 1 - 9+8 = 0, अभी 8 + 1 = 9, 9 = 0, 0/8 = 0 मीन्स 0 = 0, किस -3 करने से क्या प्रूव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, ये चीज़ आपको बस दी जाएगा था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ आए दोस्तों, लॉन्ग और शॉर्ट से भी समझ आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द वैल्यू ऑफ 4+, ये 1/4+ ऐसे रूट दिया गया नीचे, मतलब क्रम बाय क्रम ऐसे करके दिया गया है,
लास्ट में इन्फिनिटी लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। तो आपको ऐसे वाले कोर्सेज को आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आता नहीं, अगर आ जाएगा तो सीधा आपको लिख देना, क्योंकि इसका सॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको यही आपको क्वेश्चन हर क्वेश्चन के मार्क इसी में खा जाएगा। इसलिए आप ये ऐसे वाला क्वेश्चन आपको लेंदी बहुत होता है, आप इसको बस वैल्यू याद कर लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या है आपको मैं भी बताता हूँ, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों। तो इसका हमारा वैल्यू 2 + √5, बस ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, एक आपको दिमाग में समझना पड़ेगा क्या आ जाएगा आंसर, 2 + √5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में आते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4th देखिए लिखा गया, इफ अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, कितना है 2x² - 4x - 3 = क्या, इक्वेशन दे रखा है 0, हमें क्या निकाल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस कितना हो, आइए दोस्तों इसे भी निकालते हैं, इसको भी शॉर्ट तरीके में निकालते हैं, हमारा ऑप्शन में दे रखा है 5, 7, 3, 4 ऑप्शन में लिख लेते हैं और क्वेश्चन हम करते साथ में, फिर आंसर देखते हैं किससे मैच खा रहा है। आइए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि एक इक्वेशन है, पहले कौन सा इक्वेशन है, 2x³² दोस्तों, 2x² है, 2x² - 4x - 3 = 0, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब वैल्यू किसका निकाला दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकाला दोस्तों, वैल्यू निकालना है, आइए निकालना है तो निकाल लेते हैं दोस्तों। ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है दोस्तों, पहला हम इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे, सम और प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दो चीज़ फाइंड करना। तो आइए हमें सम क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में क्या होता है, ए होता है, माइनस बी अपॉन में क्या होता है, ए होता है, तो माइनस बी मतलब पहले से बी स्क्वायर माइनस फोर में, तो 4/a का होता है 2 = 2, हमारा सम क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू अल्फा डॉट बीटा मीन्स क्या होता है प्रोडक्ट C/a, तो C हमारा क्या है -3 और क्या है 2 है, ठीक है -3/2। आइए फिर निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = मीन्स a² + b² फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है कि मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना, a + b² - 4ab याद है ना, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4α β, या पढ़े थे बिल्कुल याद होगा, अभी भी इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें भी लिखे थे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा सम कितना दोस्तों 2k² - 4α β मीन्स -3/2 = 2, ये 2k² कितना 4 हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा ना, 2 × 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मीन्स प्लस, 3 × 2 = कितना जाएगा दोस्तों 6, ये होगा ना, कोई तो गड़बड़ नहीं है दोस्तों, और कोई गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, एक मिनट देखते दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये 4 लिखा है, क्या होगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, सॉरी ये -2 क्या हो जाएगा, -2α β हो जाएगा, नहीं 4 लिख दे इसलिए बोला हूँ क्या हो गया, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 2 कट ही जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 है तो 2 कट जाएगा, तो माइनस यानी कि +3 हो जाएगा, 4 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा, क्या हमारा ये आंसर है देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों दिया गया है हमारा बी ऑप्शन है 7 4th के,
अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना देगा दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके लिए होता है जीरो, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल क्या दे रखा है, बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, सम ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा रहा इतना इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल कितना देगा इतना इक्वल टू कितना होगा वैल्यू, यही पूछ रहा है दोस्तों, देखो आपको यही पूछा दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है फाइव में, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा ना एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी पता है इज इक्वल टू सम इक्वल, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो आपको कम से कम एक डेढ़ पेज में चल जाएगा दोस्तों, तो आपको उतना करना चाहिए उतना ही है। इसका सीधा मतलब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए रखा हुआ बोलेगा सम इज इक्वल इतना है, उसका कभी वैल्यू क्या होता है टू है दोस्तों, आपको ये बस दिमाग में रखना है, ये प्रूफली क्या होता है टू होता है, क्या होता है दोस्तों टू होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सिक्स नंबर, सिक्स नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है वो देखने हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या लगा कि द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट में पी प्लस फोर एक्स प्लस टू पी स्क्वायर फाइव जो इक्वल द रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ पी विल बी, पी की वैल्यू क्या है हमें पूछा जा रहा है, और ऑप्शन क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं और साथ में करते हैं फिर। ओके दोस्तों आइए फिर करते हैं, क्वेश्चन हमें क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया पी प्लस फोर एक्स, पी प्लस फोर एक्स ठीक है बिल्कुल, उसके बाद में क्या है और पी प्लस प्लस क्या रखा है पी स्क्वायर दे रखा है, प्लस पी स्क्वायर का इक्वल टू जीरो, वही पूछ रहा था फाइंड देन द वैल्यू ऑफ पी ठीक है ना बिल्कुल। आइए दोस्तों करते हैं इनको भी, क्या पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रूट के रूट ऑफ द क्वेश्चन मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, हमारा ये बी है ना ये ए है और ये सी है, इसके मतलब बी स्क्वायर था बी के मतलब माइनस है पी प्लस फोर के होल स्क्वायर, समझ आया दोस्तों बिल्कुल, पी प्लस फोर के माइनस फोर ए कितना है कुछ नहीं तो वन हो गया और सी कितना है पी स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो, इतना समझ आ गया दोस्तों बिल्कुल समझ आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं ए प्लस बी का क्या होता है पी स्क्वायर प्लस फोर टू जै एट पी प्लस फोर जै सिक्सटी माइनस फोर पी स्क्वायर इजकल टू जीरो, माइनस सी इसमें मतलब माइनस पी स्क्वायर माइनस एट पी माइनस सिक्सटीन माइनस फोर पी स्क्वायर इजकल टू जीरो, आ रहा है समझ दोस्तों बिल्कुल आ रहा होगा, ये माइनस फोर पी स्क्वायर है माइनस तो कितना जाएगा माइनस फाइव पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस एट पी हो जाएगा और माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो, ये माइनस से हमेशा क्या हो क्या आ जाएगा फाइव पी स्क्वायर माइनस प्लस एट पी प्लस सिक्सटी इक्वल टू जीरो, ये माइनस इधर आएगा तो जीरो से तो खत्म ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या क्या देते हैं एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या था ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया गया था दोस्तों, ओहो फिर क्वेश्चन हमने गलत साल लिए, ऊपर नीचे के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या दिया गया सिक्स में क्वेश्चन था एक माइनस पी प्लस फोर एक्स प्लस टू पी प्लस फाइव था दोस्तों, यहाँ पर पी स्क्वायर नहीं था टू पी प्लस फाइव था, फिर ये हमारा क्या हो गया था नेक्स्ट पेज में कर रखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, तो हमारा ये भी क्या हो गया गलती हो गया फिर दोस्तों, अगर क्वेश्चन गलत लिख देंगे तो फिर हमारा मिसमैच हो जाता है हर चीज़ से। ठीक है दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों अपना, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया गया था इक्वेशन दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस सही से लिखते देखेगा क्वेश्चन दोस्तों माइनस पी प्लस फोर एक्स पी प्लस फोर एक्स प्लस
टू पी प्लस फाइव इजकल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ पी, ये पूछ रहा है दोस्तों, बिल्कुल यही पूछ रहा है हमें। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अगर गलत लिख देंगे तो आंसर हमारा तो ऐसे भी मिसमैच हो जाएगा दोस्तों। आइए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू क्या हो गया जीरो, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा पूरा क्या है सी है। हर समझ बिल्कुल, माइनस पी प्लस फोर के स्क्वायर, ये बी है ना, माइनस फोर ए कितना हो गया वन और सी कितना हो गया टू पी प्लस फाइव, टू पी प्लस फाइव इजकल टू जीरो। इतना समझ आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा बताइए, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। माइनस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर दोस्तों, मीन्स ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू फोर इंटू एट पी प्लस सिक्सटीन टू सॉरी माइनस फोर टू पी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट पी माइनस सिक्सटीन, और ये माइनस फोर से करें तो माइनस एट पी और माइनस फोर का हो जाए ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। क्या समझ आ रहे हैं हमें? बिल्कुल आ रहे दोस्तों। अब क्या करेंगे, एट पी और ये माइनस थ्री एड हो जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर एट पी क्या होना सिक्सटीन पी हो जाएगा और ये भी एड हो जाएगा तो कितना माइनस थर्टी सिक्स हो गया इक्वल टू जीरो। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन पी प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारा माइनस इधर चला जाएगा पी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन पी प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। समझ आए दोस्तों? बिल्कुल आ रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या पुट कर देंगे, सीधा हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, यहीं पर सोल्व करने की जरूरत नहीं, या आ रहे कि नहीं आ रहे को चेक कर लेते दोस्तों, चेक तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल एक बार इसे सॉल्व करके देखते दोस्तों। आइए थर्टी सिक्स हो जाएगा तो है दोस्तों, एक बार ट्राई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपर में टू ए, माइनस बी हो जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस बी मतलब सिक्सटीन के स्क्वायर, सिक्सटीन के स्क्वायर कितना जाएगा दोस्तों सिक्सटीन के स्क्वायर करना कितना जाएगा टू फिफ्टी सिक्स, टू फिफ्टी सिक्स माइनस फोर ए कुछ नहीं है सिर्फ तो थर्टी सिक्स भाई अपन में टू माइनस सोलह प्लस माइनस क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स इंटू फोर, थर्टी सिक्स इंटू फोर कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर, टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन फोर्टी फोर वन हंड्रेड ट्वेल्व, वन हंड्रेड ट्वेल्व आ रहा है कितना दोस्तों वन हंड्रेड ट्वेल्व जरूर क्या होता है पॉइंट में आ रहा है, क्या रहा है पॉइंटेड हमारा, ये लग रहा है क्या गलत लग रहा है सॉरी दोस्तों, ये माइनस जो भी है ना इसका भी हमें तो स्क्वायर होगा दोस्तों, तो ये हमें क्या होगा क्योंकि टोटल के वो जो भी बी दे रखा उनके होल स्क्वायर दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर ये हमारा फिर ख़त्म ही हो जाएगा दोस्तों, हमें ये प्लस में ही रहेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक एक दोस्तों इसमें गलत हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एट पी प्लस सिक्सटीन माइनस एट पी माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, एट पी ख़त्म हो जाएगा पी स्क्वायर और क्या हो जाएगा सिक्सटीन टेन मतलब माइनस फोर इजकल टू जीरो, तो पी स्क्वायर इजकल टू फोर मीन्स पी के स्क्वायर इजकल टू टू के होल स्क्वायर कितना जा रहा है दोस्तों पी इजकल टू हमारा क्या आ जा रहा है टू आ जा रहा है। समझ आ रहा है दोस्तों प्लस माइनस टू आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल प्लस माइनस क्या मजा आ जाएगा टू आ जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों बिल्कुल, अगर हमारा क्या आ जाएगा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन में भी दे रखा है प्लस माइनस टू हमारा आंसर है। समझ आया कि नहीं है दोस्तों बताइए, एक के वजह से हमारा क्या आंसर मिसमैच हो रहा था, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बी स्क्वायर दिया दोस्तों बी तो ये माइनस पी प्लस फोर है दोस्तों, ये माइनस पी प्लस फोर है ना, तो इसका मतलब
माइनस के उसका तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वही आपको दे रखा था। और आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, सेवन नंबर पर दोस्तों, सेवन नंबर द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस एक्स पी स्क्वायर जीरो आर रियल इफ। अब हम बी स्क्वायर माइनस फोर एस करके निकालेंगे क्या हमें ये ग्रेटर देन वन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है कि लेस देन फोर आएगा या फिर ग्रेटर देन वन बाई फोर आएगा कि ये आएगा, हमें ये चेक करना है। तो आइए इन्हें भी करते हैं फिर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, सेवन। सेवन क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि द रूट क्या क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस वन एक्स, टू पी माइनस वन एक्स प्लस और क्या दोस्तों पी स्क्वायर इजकल टू जीरो। हमारा ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, ए में ऑप्शन था पी ग्रेटर देन क्या ये आ रहा है, या बी ऑप्शन में दे रखा है पी लेस देन फोर लेस देन इक्वल टू फोर, और सी ऑप्शन में आ रहा है पी ले ग्रेटर देन वन बाई फोर, और डी ऑप्शन में है पी लेस देन वन बाई फोर। हमें ये चार ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, हमें यही क्या पता करना है कि कौन सी होगी। तो आइए इन्हें सॉल्व करेंगे ना हम, बी स्क्वायर माइनस फोर एस इजकल टू जीरो मीन्स बी का मतलब टू पी माइनस वन के होल स्क्वायर माइनस फोर ए का मतलब वन सी का मतलब पी स्क्वायर होगा इक्वल टू जीरो। समझदार दोस्तों, बिल्कुल। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर होगा मतलब ए माइनस स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स फोर पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस वन माइनस फोर पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हमारा ये फोर पी स्क्वायर से फोर पी स्क्वायर कट जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस फोर पी प्लस वन इक्वल टू जीरो मीन्स फोर पी इक्वल टू वन, पी इक्वल टू वन बाई फोर मीन्स पी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा वन बाई फोर आ रहे हैं। क्या आ रहा है दोस्तों, सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। समझ आया कि नहीं, कितना आसान था आपको, बस क्या कर दिया मैंने आपको, मैंने क्या किया दोस्तों बस सॉल्व कर दिया। लेकिन अभी अब इसमें देखना है कि उधर जाने पर क्या होगा, प्लस माइनस के भी होता है कि, तो इससे पहले ग्रेटर तो हम लिख नहीं सकते दोस्तों, बिल्कुल ये हमें आपको ध्यान बहुत देना जरूरी है। क्या है कि ये वन बाई फोर दोस्तों है, क्या ये पी से ग्रेटर आपको दिख रहा है, मतलब ये जो भी हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर सी है, क्या आपको सही लग रहा है, क्या आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा बताइए दोस्तों। आप वो डिसाइड करेंगे कि ये ऑप्शन मैंने जो ठीक किया वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है ये आप देखिए, ये वन बाई फोर है और पी ये वन बाई फोर क्या हमें वन डिवाइड फोर क्या मैं वन से आपको ज़्यादा लगता है क्या, नहीं है ग्रेटर नहीं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर। आ रहा समझ, बिल्कुल आ रहा है, अब तो समझ आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल। आइए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम करते हैं, एट नंबर क्वेश्चन। इन इन छोटे बातों आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इन इन छोटे बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। एट नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या लिखा है, इफ एक्स स्कूल क्या है एम इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एम इजक्वल टू जीरो। क्या बोला, एक्स इजक्वल टू एम, तो पॉसिबल वैल्यू तो एम आर क्या क्या हो गया, ये पूछा ना कि हमारे पॉसिबल जो वैल्यू है हमें क्या क्या होगा, तो ये हमारा क्या करेक्ट होगा। आइए हम इन्हें भी पता लगाते हैं। एट नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एम इजकल टू जीरो। हमारा वैल्यू दिया गया है
जीरो टू, जीरो माइनस टू, जीरो वन, वन माइनस वन, यही है ना? बिल्कुल, हमारा ऑप्शन क्या है? ये चारों दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट करने की कौन सी वैल्यू, आइए दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजिकल टू जीरो। हाँ समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आ गए, मीन्स फाइव के स्क्वायर हो जाएगा फोर ए मतलब टू इंटू सी मतलब माइनस एम इजिकल टू जीरो। 25 माइनस फोर टू जो ए टी एम, और ये माइनस वन प्लस ए टी एम इजकल टू जीरो, मीन्स ए टी एम इजकल टू माइनस 25 आ रहा है दोस्तों। क्या हम ये जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दोस्तों? जो भी कर रहे ये तो सही कर रहे थे दोस्तों, लेकिन हमें क्या गया है कुछ कि एक्स इजकल टू अगर एम हो जाएगा तो, अगर एक्स इजकल टू एम होगा तो, मान लो टू एक्स स्क्वायर दिया है तो टू एम स्क्वायर प्लस फाइव एम माइनस एम इजकल टू जीरो। अगर मान लो ऑप्शन पुट करेंगे दोस्तों, एक बार हम ऑप्शन पुट करके देखते हैं, ये अगर जीरो टू करे तो एक बार जीरो करते कितना आ जाएगा, जीरो के स्क्वायर करते टू, ये टू इंटू ये भी जीरो प्लस फाइव इंटू जीरो, सॉरी पहले इसमें m कॉमन आ जाएगा दोस्तों, क्या m कॉमन आ जाएगा तो हम उसको निकाल देते पहले, क्या होगा m कॉमन r दोस्तों ना, उनको हम क्या कर देंगे निकाल देंगे पहले, और नहीं भी निकालेंगे तो फिर भी कीजिए। चलिए टू इंटू जीरो प्लस फाइव इंटू जीरो माइनस m वैल्यू जीरो इक्वल टू जीरो, क्या हमारा जीरो इक्वल टू जीरो ये r है, ये सेकेंड वाला क्या वैल्यू r है करेक्ट? देखिए यहाँ पर नीचे कराते हैं आपको दोस्तों, सेकेंड वाला देखिए टू पुट करके, इसमें टू करेंगे तो टू के स्क्वायर कितना आ जाएगा फोर, फोर टू जाए टू इंटू फोर प्लस फाइव इंटू टू माइनस टू इजकल टू जीरो, ये जाएगा एट हो जाएगा, फाइव टू जाए टेन माइनस एट इजकल टू जीरो, ये एट एट कट जाएगा तो हमारा टेन इजकल टू जीरो क्या आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल नहीं आ रहा, मिस मैच हो रहा है, मीन्स अब बी वाला ऑप्शन करेंगे तो ये पहले भी जीरो तो ये जीरो हो गया, माइनस टू रख के देखते हैं दोस्तों, तो माइनस टू करें तो कितना हो जाएगा फोर टू जा एट, ये भी हो जाएगा, नीचे कर लेते दोस्तों, क्योंकि एक्स इज कल टू आपको कुर्ते उसमें एम बोल दिया था, नीचे करेंगे टू इंटू फोर ये हो जाएगा माइनस टू के स्क्वायर फोर हो जाएगा ना, प्लस फाइव इंटू माइनस टू माइनस टू ए मतलब प्लस टू हो जाएगा, पहले से माइनस एम है ना तो माइनस हम पैरों को माइनस टू रखें प्लस हो जाएगा जीरो, फोर टू जा एट, फाइव टू जा माइनस टेन प्लस टू इजकल टू जीरो, मीन्स टेन माइनस टेन इजकल टू जीरो, मतलब जीरो इजकल टू, कि बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है दोस्तों? सेटिस्फाई कर रहा है, और बी नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम जो कर ठीक है, लेकिन हमें जो पूछ रहे हैं वो करना है, बोले एक्स एम होगा तो एम का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ये जीरो और क्या हो जाएगा माइनस टू। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि नहीं दोस्तों बताइए, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है दोस्तों, हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, इफ पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू 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 क्यूब मतलब थ्री क्यू के पावर थ्री, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया कि आपको सेम सेंस लगता है, तो हमें ये क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो आइए कर लेते हैं इसको भी, हमें इन्हें भी करके ख़त्म कर ही देते हैं, आइए लिखते हैं फिर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है कि आप लोग को एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो हमारा वैल्यू क्या निकालना है कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू के वैल्यू कितना होगा, यही फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आइए हमें इन्हें तो करते हैं फिर, पहले तो ये जो दूर रिक्वेस्ट इक्वेशन दे रखा है हमें इनको पहले सम ऑफ रूट निकालना है, मीन्स मीन्स पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू रिटर्न करते पी प्लस क्यू इजकल टू निकालना है, पहले कितना हो जाएगा माइनस बी अपन ए माइनस टू अपन इजकल टू माइनस टू, प्रोडक्ट निकालो,
पी डॉट क्यू इजकल टू सी बाई ए मीन्स वन बाई वन इजकल टू वन। अब आएंगे पी क्यू प्लस क्यू भी मीन्स पी क्यू प्लस बी क्यू हो गया। ठीक है, अब तो हम ये वाला करेंगे क्या, पी प्लस क्यू पी स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर, नहीं हम करेंगे ये वाला पी प्लस क्यू पी पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू, यही करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे दोस्तों। पी प्लस क्यू कितना दे रखा है, माइनस टू के स्क्वायर इज फोर माइनस थ्री, पी क्यू मतलब वन, पी प्लस क्यू का मतलब माइनस टू मतलब फोर माइनस थ्री टू सिक्स प्लस सिक्स, क्या टेन हमारा आंसर है, ये गलत हो गया दोस्तों, कहीं तक गलत नहीं हुआ, एक मिनट चेक करते दोस्तों। ओह सॉरी, ये तो पी प्लस क्यू के पावर थ्री होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू का तो माइनस एट हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा माइनस एट, फिर हमारा क्या आ जाएगा माइनस टू, हमारा क्या हो जाएगा आंसर देते हैं माइनस टू क्या रखा है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या है माइनस टू है, आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन दोस्तों, ये हमारा क्या माइनस टू है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों टेंथ नंबर, इफ एल प्लस एम प्लस एन इजकल टू जीरो, एल एम एनआर रेशियो द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एम प्लस ए हो गया ये बी हो जाएगा ये सी इजकल टू जीरो, ये रियल एंड इरेशनल है कि इमेजिनरी है क्या क्या है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सीधा क्या कर दिमाग में बैठा लेना कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ज़्यादा आपको पता लगाना ये रेशियो ऐसे आपको सीधा क्या करना है हमें बता देना है, तो क्या होगा दोस्तों बताइए आप ही बोलना, तो मैं बता दूँ आपको, तो जब ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस और एल प्लस एम माइनस ये तीनों का हमारे क्या रियल भी है और क्या है रेशनल है, ये हमें समझ आना है, इस सॉल्व करने वाला ये तो है ही नहीं। एलेवेंथ में कुछ आना दोस्तों, एलेवेंथ में इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, ये दे रखा है आपको देन द वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, क्या समझ आ रहा है दोस्तों कि नहीं, समझ आ रहा है दोस्तों बिल्कुल आ रहा है, ये भी आपको किस तरह हो गया जो ऊपर हमने किया था ना, कहाँ आ गया ये अभी पी क्यू प्लस क्यू के ऊपर अल्फा बाई बीटा करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वो भी निकाले थे, सेम इसी तरह ये भी दोस्तों, क्या हम निकाले क्या क्या निकाल के बताए, चलिए आइए इसको भी आपको निकाल के बता ही देते दोस्तों, क्वेश्चन सुनो दोस्तों 11 क्या क्वेश्चन दिया है, एक इक्वेशन दे रखा है इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, उधर प्लस एक्स प्लस वन देगा तो ला दिए, वैल्यू क्या पूछ रहा है हमें कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा दे रखा है माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा दे रखा है, ये इसी के वैल्यू निकालना है ना, बिल्कुल हमें इन्हीं के वैल्यू निकालना है, आइए दोस्तों निकालते हैं, फिर हमें क्या पता है कि सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट कितना होगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इसकल कितना होगा माइनस बी मतलब वन वन बाई वन इसकल टू वन, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा माइनस वन बाई वन इसकल टू माइनस वन, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे इसको अब एलसीएम करें तो क्या हो जाएगा नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू हो जाएगा ना बिल्कुल, आइए इन्हें फाइंड आउट करते हैं। अब ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या पड़ता है दोस्तों, ये होता है ए माइनस बी, ये भी क्या चला जाएगा ए स्क्वायर में चला जाएगा, किसमें स्क्वायर में चला जाएगा, तो दोस्तों आपको ये बता दिया ये होते तो फिर यहाँ से आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों, आप जरिए इसको हम फॉर्म में तोड़ देंगे फिर आपको कर देंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप खुद कर यहाँ तक बता दिए हिंट बता दिए तो फिर आप क्या कर लोगे ये क्वेश्चन
कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा ये है नहीं। अल्फाबेट आपको निकाल दिया, इसका फॉर्मूला डालिए और फिर कोड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार करा दिए दोस्तों, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको भी करना जरूरी नहीं है, तो फिर मैं बता दूंगा दोस्तों। 12th नंबर आइए, पी डज नॉट इक्वल टू क्यू बोला दोस्तों, पी डज नॉट इक्वल टू क्या बोला दोस्तों, क्यू बोला, एंड पी स्क्वायर इक्वल टू 5p माइनस क्यू, एंड क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5q 3, देन इक्वेशन हैव रूट पी बाई क्यू एंड क्यू बाई पी इज कितना होगा, पी बाई क्यू एंड क्यू बाई पी इज कितना होगा, हमें ही पता लगा दोस्तों, बिल्कुल आइए में नहीं पता लगाते हैं। तो दोस्तों हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए दोस्तों, क्वेश्चंस हमें 12th नंबर में आपको दिया गया है कि पी स्क्वायर इजकल टू 5p-3, पी स्क्वायर इजकल टू 5p-3 और क्यू स्क्वायर इजकल टू 5q-3, और हमें क्वेश्चन किसका निकालना है, पी बाई क्यू एंड क्यू बाई पी, इसी को निकाला है, मीन्स अल्फा बीटा बीटा बाई अल्फा ऐसे आता था। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक बार सम करेंगे, इस पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हम क्या ऑप्शन से डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट कर रहे हैं क्या, क्या या कि ऐसे ही कर दें, क्या ऑप्शन से करें, ऐसे कर दें, ऑप्शन से करते दोस्तों। हम मान लो ऑप्शन में ले रहा हूँ सी, सी ऑप्शन में दिया है 3x² - 90x+3 इक्वल टू 0, ये दे रखा है मुझे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको क्या निकालेंगे, एक बार सम निकालेंगे, मीन्स किस क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू अगर सम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अभी दोनों तरीके से कराऊंगा दोस्तों, पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/, मीन्स 19/90/3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3/3 = 1। आइए अब इन्हें सॉल्व करेंगे, एक बार इस क्या करेंगे, अब ये आ गया वैल्यू ना, तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करके डाल देंगे, पी के नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर माइनस 2pq, यही होगा बिल्कुल, ऊपर में हमें प्रोडक्ट पी क्यू हो गया, ये कितना दिया, सम कितना दिया गया 19/3 के स्क्वायर, ओके। ये यहाँ पर आपको पी स्क्वायर की भी वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, समझ आ रहे हैं। तो हमें ये निकालने की क्या जरूरत है, निकालने नहीं, तो हम क्या करेंगे कि सीधा ये जो आ रहा है ना, इसका हम क्या करेंगे सोल्व, इसके प्लस एक बार करेंगे, एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे, और फिर हमें कितना आएगा वो निकल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो सीधा पूरा करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये चीज़ था, और स्क्वायर करेंगे तो ये वाला वैल्यू करेंगे, देखिए दोस्तों ऐसे बन जाएगा आपका। एक बार सामने कहा था पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू होगा, मीन्स ए वाला चीज़ आके आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू दे रखा है, इसका वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5p-3 + 5q-3 भाई क्या हो जाएगा पी क्यू मतलब 1, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 ही होगा ना, तो 5p + 5q-3 = 6, आपको ऐसे निकल गया। फिर आप क्या डालेंगे इसमें एक्स और सम का रूट मिला, फिर हमारा ऑप्शन के आंसर ये आ जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप जिस तरीके से भी आप कर सकते हो, आप किसी तरीके से भी आप जिस तरीके से आप करोगे उस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। लास्ट आपको क्वेश्चन बचा हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन बच रखा है, 3rd नंबर क्वेश्चन बच रखा है, ठीक है बिल्कुल। इफ वन रूट ऑफ द इतना दे रखा है, बोला कि द रेशियो ऑफ ऑफ द देन वैल्यू ऑफ पी,
तो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो कर दिए, निकाली फिर निकल जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ तक क्या रहा आपको दोस्तों, एक्सरसाइज एफ पे क्या जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ये निकल जाएगा ना, बीस स्क्वायर थर्टी स्क्वायर फोर इक्वल टू जीरो, फोर इंटू फाइव इंटू पी और एफ पी के वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज जी, नेक्स्ट लेक्चर हम जी एक्सरसाइज जी कराने वाला हूँ, आप बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एच आई बचेगा, एच आई अगर छोटा हो तो एक बार हो जाएगा, नहीं तो ऐसा ही एक लेक्चर लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले ये रखते हैं, बाकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में जाके टोटल वीडियो देखिए। ओके बाय।